Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat Ahmed Khan. Welcome to my channel and welcome to another POV ride of KPR. And let me show you, I have come here under the underpass and the light is on. Let's see it here. After wrap and stickering, today I am making the first POV ride. I am making the ride but POV ride is not made. So look at this beautiful beast. माशाल्लाह से बहुत अखीर लुक दी है इसने और इसकी वीडियोस वगैरह मैंने इंस्टाग्राम पे तो डाली हैं, रील्स वगैरह डालता रहता हूँ वहाँ पे, आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। और अभी जो है मैं इसकी वीडियो डाल रहा हूँ, अभी इसके बहुत सारे काम हैं वो मैं आपसे रास्ते में डिस्कस करता हूँ एंड आई होप माई माइक विल कीप वर्किंग। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी जो है इसकी साउंड फुल पे नहीं है, मतलब ये नॉर्मल साउंड है, अभी इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स लानी हैं और मॉड्स वगैरह इसके लगाने हैं कुछ, बट उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा क्योंकि ना ढूंढने हैं लगाने हैं। और अभी जो नेक्स्ट मेरा फोकस है वो इसकी परफॉर्मेंस है, बिकॉज परफॉर्मेंस इज़ एब्सोल्युटली डेड, बिल्कुल ही ना ऑफ जा रहा है। इसकी क्लच प्लेट्स का काम है वो करवाना है, उसके बाद ये फ्रंट जो ब्रेक है ये ख़त्म हुई हुई है, देखें लग ही नहीं रही, बिल्कुल एंड पे जाके लग जाती है क्योंकि इसका प्रेशर ख़त्म हुआ हुआ है, ये ठीक करवानी है। और यही छोटी मोटी मेंटेनेंस है, ऑयल चेंज भी मैं शायद, हाँ ऑयल चेंज क्लच प्लेट्स के साथ हो जाएगा ऑब्वियसली, वो मैं रुका हुआ भी इसीलिए था कि जब क्लच प्लेट चेंज होगी तो ऑयल भी चेंज करवा लेंगे ना, सो ये थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। अभी ये 28,000 चल चुका है, 28,000 पे ऑयल चेंज हो रहा है इसका, लास्ट मेरा ख्याल है 26,000 कुछ पे मैं लिया था और फिर जो है ना ये मैंने चेंज नहीं करवाया ऑयल। फौरन से मुझे टर्न लेना पड़ा है। सो उसके बाद ये जब काम हो जाएगा क्लच प्लेट्स वाला, आई वांट इट्स परफॉर्मेंस एट फुलेस्ट, ठीक है, फिर देखेंगे टॉप स्पीड क्या हिट कर रहा है, फिर उस हिसाब से इसकी चेंजेस लाएंगे, क्योंकि क्लच प्लेट्स के बाद मुझे पता है इसने वो स्पीड फिर भी नहीं मारनी जो मैं चाह रहा हूँ। अभी ये 110 तक जाता है, लीन कर दो तो मतलब कि बंदा लेट जाए, थोड़ा सा मच्छी बन जाओ तो फिर 125 तक जाता है, क्लच प्लेट्स के बाद शायद 130 हिट कर ले या 130 तक ऊपर चला जाए, बट 130 इसको नॉर्मल जाना चाहिए। सो लेट्स सी उससे क्या डिफरेंस आएगा, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस में हम और क्या चेंजेस ला सकते हैं। मजा। उसके बाद जब होगी परफॉर्मेंस के काम हो गए तो ये ब्यूटीफुल व्यू, आजकल जो बादल और आसमान व्यू दे रहा है ना, पता नहीं कैमरा क्या शो कर रहा होगा, खैर उसके बाद मैंने इसकी वायरिंग का काम करवाना है। वायरिंग बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है अंदर इसकी ना, मतलब कि ख़त्म से मुराद ये है कि वायरिंग प्रॉपर नहीं हुई हुई, फैली हुई है, असेंबलीज ख़राब हैं, ठीक है, तो वायरिंग हो जाएगी तो फिर जो है ना तकरीबन बाइक जो है 80% रेडी हो जाएगा, ठीक है, असेंबलीज नहीं लगाऊंगा ना ताकि हर चीज़ वर्किंग में आ जाए। अच्छा इसका हैंडल भी थोड़ा सा टेढ़ा है, ये जो इसका आए है, क्या मज़े की रोड मिली है, और बादल इस तरफ हैं और कहीं नहीं है, उस तरफ हैं। सो
क्या कह रहा था मैं, हाँ फिर इसका थोड़ा सा हैंडल टेढ़ा है, वो सीधा करवाना है। उसके लिए मैं वैसे क्लिप पॉन्स इस पर चेंज करने हैं, इसके जो अपने क्लिप पॉन्स है ना स्टॉक वाले वो थोड़े डिफरेंट हैं, तो मैं आफ्टर मार्केट क्लिप पॉन्स इंस्टॉल करना चाहता हूँ और वो मुझे थोड़ा सा ढूंढने पड़ेंगे। तो इधर नहीं जाना था, खैर तो क्लिप पॉन्स लगा के और फिर देखते हैं, अगर मुझे मॉक्सी लेवर्स मिल गए इसके, ना मिले तो इन्हीं को जो है ना पेंट शेंट करवाना पड़ेगा। पेट्रोल भी पूरा नहीं है और मैं जो है ना, उसके बाद चौथी चीज़ बनती है ना, हाँ क्लच प्लेट्स, वायरिंग, हैंडल, तीन चीज़ें होगी। चौथी चीज़ है इसकी वो पिछली जो सीट है ना उसका लॉक नहीं मिल रहा, वो कहीं से मिल गया तो वेल एंड गुड। अच्छा मसले वगैरह जितने भी हो ना बाइक में, ऑनेस्टली स्पीकिंग चलाने का मज़ा है, इसका मज़ा बहुत है। पहले ना मेरा दिल आ नहीं रहा था इस बाइक पे, काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं उस तरह इंटरेस्ट ले नहीं रहा था केपीआर में, लेकिन जब से मैंने इसको रैप करवाया है ना तो मैं बिल्कुल बाइक के लिए ना फीलिंग्स ही बदल गई हैं। एक होता है बिल्कुल रफ़ चीज़ होती है तो उस पर इस तरह दिल नहीं बैठ रहा होता, मैं कह रहा था पता नहीं यार इसको कौन ठीक कराएगा, इस पर क्या काम होगा और क्या नहीं होगा। तो शुरू में इस वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था, बट आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी मैंने कुछ चीज़ें ठीक कर ली है ना, सो नाउ इट्स गिविंग गुड वाइब्स। वो मेरे पास ESD भी खड़ा हुआ है, कभी कहता हूँ उस पर प्रोजेक्ट करूँ, कभी कहता हूँ उसको स्टॉक रहने दूँ, तो वो भी अजीब किस्म की कन्फ्यूजन है। बस जिस दिन मूड बन गया ना मैंने उड़ के चले जाना उसका काम कराने। खैर सो आई होप कामों शामों की जो लिस्ट मैंने बताई है आपको वो आपने लिख ली होगी, ठीक है। लिख ली से मुराद के मतलब याद कर ली होगी कि यार ये काम रहते हैं। सो ये सारे काम जब हो गए KPR के, देन इट विल बी रेडी। ये जो पिक है ना इसकी, ये अभी कुछ भी नहीं है, दिस नीड्स मैसिव इम्प्रूवमेंट और वो इंशाल्लाह आएगी। क्या मतलब कमाल, ओनली इफ दिस एग्जॉस्ट वॉज लाउड इनफ तो इसका मज़ा ही आ जाना था, जो ये फायर शॉट करता है ना, शॉट्स फायर्ड, रहता था नहीं करता, बस करता है बट बहुत ही ना लो साउंड में। मज़ा आता है इसका, मैं एग्जॉस्ट का कुछ करूँगा सही, इट शुड बी लाउड। तो इंशाल्लाह वो मैंने कल करवाना है काम, खुबैब भाई से टाइम लिया हुआ है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इसका क्लच का काम करवाएंगे। मैं भी देखता हूँ इसके क्लच में क्या डिफरेंस है जो हमने YBR का करवाया था, ठीक है। क्लच प्लेट्स, प्रेशर प्लेट्स, कॉस्ट इसकी आएगी कोई अराउंड 8-10 हज़ार।
वही है कि वन टाइम है। एक बार की खर्ची हो जाए फिर मज़े से बाइक एंजॉय कर सकता बंदा। ब्यूटीफुल रोड्स, मेरे ख्याल है थोड़ा सा हाई ऑक्टेन डलवा लेते हैं। पता नहीं, अच्छा अभी दो लाइट्स शो कर रहा है, बीच में एक शो कर रहा था। फिलहाल तो मेरे ख्याल है चल जाएगा, बट धोखा ही ना हो। लेकिन फिर एक लाइट होगी। F6 के दूसरे पंप से डलवा लेंगे। अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया, इसका एक और काम है। इसकी ना फुट रेस्ट जो है उस दिन गिर गई रास्ते में। आई वॉज राइडिंग और फुट रेस्ट गायब। मैं पाँव रखा हुआ है, पता नहीं पाँव उसकी मैंने टेक पे ही रखा हुआ था साइड पे, जहाँ पे वो उसका स्क्रू लगता है ना। तो बाद में समझ आई कि यार पाँव स्लिप हो रहा है, क्या चक्कर है। तो फुट रेस्ट का फिर मैंने जुगाड़ किया। इफ़ आई कैन शो यू, पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं, पत्री लगाई हुई है मैंने और इसके ऊपर पाँव रखा हुआ है, विच इज़ वर्किंग फॉर नाउ, बट रिस्की और लॉन्ग टर्म नहीं है। तो इसकी फुट रेस्ट भी ढूंढनी पड़ेगी। अब आई डोंट नो इसकी अपनी मिलेगी या नहीं, किसी और बाइक की लगानी पड़ेगी। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और राइड का मज़ा आया होगा। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिला करें। और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।